जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मुझे तकवियत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। मसीह यीशु के अजीम पुरफजल जलाली जिंदगी बख्श नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुएल आज सुबह खुदावंद की आवाज़ में आपको वेलकम करता हूँ। आज खुदावंद की कलाम की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुबशरा रिजाय इमरान। इनका ताल्लुक है सेंट पीटर्स चर्च प्रानी आबादी कोर लखपत से, रायवन डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान से। ये रफाकत ख़वातीन की मेंबर है और बड़ी जाँफशानी से खुदावंद के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे रही हैं। आज खुदावंद की जिंदा आवाज़ को हम अपनी बहन के वसीला से सुनेंगे। खुदावंद के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने फिर से मुझे यहाँ पर मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आऊँ और खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकूँ। मैं नेशनल चैनल की बहुत शुक्रगुजार हूँ और ख़ासकर भाई बाबर के लिए और भाई के लिए कि उन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आऊँ और खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुन सकूँ। हालेलुया। अज़ीज़ो, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने कलाम को नाजिल फरमाता और शिफा देता है। इससे पहले कि मैं कलाम को शेयर करूँ, मैं एक स्टोरी से शुरू करूँगी। बहुत खूबसूरत बात है कि एक शख्स होता है और वो खुदावंद के घर जाता है और वो अपने बिशप साहिब के पास जाता है और कहता है कि बिशप साहिब, मैं आइंदा से चर्च नहीं आऊँगा। और बिशप साहिब सबब पूछते हैं कि क्या वजह है कि आखिर आप क्यों नहीं आएंगे। तो वो सबब बताता है कि जब मैं चर्च में आता हूँ तो मैंने लोगों को देखा है कि वो दुआ करते करते फेसबुक यूज़ करते हैं, किसी की गैबत करते हैं और दुआ करते करते एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो बिशप साहब कहते हैं ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, उसको एक टास्क देते हैं। वो अपने कमरे से चर्च से मुत्सिल कमरे के पास जाते हैं और वहाँ से एक पानी का गिलास लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये तूने चर्च के अंदरूनी हिस्से में ही चक्कर लगाना है और ख्याल रखना है कि पानी का जो एक कतरा एक बूंद भी है वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। वो खुश होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, पानी का गिलास लेता है और उस गिलास की तरफ उसका सारा फोकस होता है और वो पानी लिए चलता जाता है और उसका सारा फोकस उस पर होता है। जब वो देखता है कि वो ठीक बिशप साहब के पास वापस आता है और बड़ा खुश होता है कि इसमें से एक कतरा भी जो है वो नीचे नहीं गिरा, तो बिशप साहिब उसको कहते हैं कि देख, जब तू पानी लिए जा रहा था तो तेरा ध्यान किधर था, तेरा फोकस पानी की तरफ था। और अगर तू खुदा के घर में आता है, जब तेरा फोकस खुदावन की तरफ होगा तो तुझे कोई गिब्बत करता हुआ, कोई फेसबुक यूज़ करता हुआ, किसी की बुराई करता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो इस बात से बहुत खुश होता है कि पास्टर जी ने बहुत खूबसूरत बात की है, तो इस बात से खुश होता है। तो इसी तरह अजीज़ों, मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम खालिस खुदावन के लिए खुदा के घर में आएंगे तो हमें कोई एहसास नहीं होगा कि हमारे पास कौन लोग हैं, कोई ऐप जो ही कर रहा है, कोई बात कर रहा है। जब हमारा फोकस खुदावन की तरफ होगा तो हमारा क्या जो रابطہ है वो खुदा के साथ होगा। आइए हम खुदावन के कलाम की वर्ड्स को देखेंगे। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से मैं देखूंगी करंथियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, तुम तो उन चीज़ों पर नज़र करते हो जो आँखों के सामने हैं। अगर किसी को अपने आप पर भरोसा है कि वो मसीह का है तो अपने दिल में ये भी सोच ले कि जैसे वो मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत हो। अजीज़ों, जिस तरह मैंने भी आपके सामने एक स्टोरी को शेयर किया कि कैसे वो शख्स जो खुदा के घर जाता था और उसने इन चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला लिया कि मैं आइंदा क्या करूँगा, खुदा के घर नहीं जाऊँगा। आज अजीज़ों, ये कलाम मेरे लिए है, आपके लिए है। आज हम भी क्या करते हैं, खुदावंद के घर में जाते हैं और जब चर्च से बाहर निकलते हैं, और ये हकीकत है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग गाली गलौज करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, ऐप जोई करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या जो ध्यान है, हमारा फोकस है, वो खुदा से हटता है। हम क्या करते हैं, लोगों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब हम लोगों की तरफ देखते हैं तो जिस तरह हम पतरस को देखते हैं कि उसने पानी पर चलने की ख्वाहिश की और जैसे उसने यीशु से अपना फोकस नीचे किया तो वो क्या किया हुआ उसके साथ, वो डूबने लगा, तो उसने कहा खुदावंद बचा ले। इसी तरह आज जो मकसद मेरा है, जो कलाम की वर्स है, कि हमें क्या करना, अपना फोकस खुदावंद यीशु पर लगाना है। जब हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो अजीज़ों हमारी क्या है, 5 उंगलियां हैं। अगर हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो क्या है, बाकी उंगलियाँ हमारी तरफ इशारा करती हैं। तो इसी तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है, गर्ज जो फ़ख्र करे वो खुदावंद पर फ़ख्र करे,
क्योंकि जो अपनी नेक नामी जताता है वो मकबूल नहीं, बल्कि जिसको खुदावंद नेक नाम ठहराता है वही मकबूल है। हालेलुया, बहुत खूबसूरत बात है। अजीजों, हम इंसान हैं और हमारी बातें अक्सर ऐसी होती हैं, हम क्या करते हैं अपनी बातों पर, अपने आप पर फ़ख्र करते हैं। तो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है हमें अपने आप पर फ़ख्र नहीं करना, बल्कि जो बात है हमारी खुदावंद यीशु से शुरू होनी चाहिए कि खुदावंद ने मुझे कुव्वत दी और मैंने ये किया। अक्सर हम बातचीत करते हैं तो हम अपनी तरक्की करते रहते हैं और खुदा को क्या करते हैं, पीछे करते हैं। जब हम यीशु को आगे करते हैं तो हमारी क्या रूहानी तरक्की होती है, और जब हम रूहानी तरक्की में भरते हैं तो खुदावंद का कलाम क्या हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़ता है। तो हमें क्या करना है, खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि तुम उन चीज़ों पर नज़र करते हो जो आँखों के सामने, और ये सच है कि हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने हैं। जब हम खुदावंद के रूह को अपने अंदर लेंगे, और अगर किसी को अपने आप पर भरोसा है कि वो मसीह का है, तो अपने दिल में ये भी सोच ले कि जैसे वो मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। अक्सर हम क्या करते हैं अजीज़ों, अगर मैं हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि अगर मैं कलाम सुना रही हूँ तो ये सिर्फ आपके लिए, ये मेरे लिए भी है। अगर एक इंसान है वो खुदा के घर जाता है, वो दुआ करता है, वो खुदा की परस्तिश करता है, तो इसमें हमें अपनी बड़ियाई नहीं। अक्सर हम, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि हम, चाहे हम पासवान हैं या कोई भी है, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों के सामने ही बहुत गैदरिंग में लेट डाउन कर देते हैं कि ये शख्स है, ये चर्च नहीं जाता, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है। तो हम क्या करते हैं, अपने आप पर भरोसा फ़ख्र करते हैं। अगर आज मेरी ज़िंदगी या आपकी ज़िंदगी है, आप दुआ करने वाले हैं, आप खुदा की कलाम की खिदमत करने वाले हैं, तो वो खुदावंद ने आपको खड़ा किया है। ये हम नहीं खड़े, या किसी इंसान ने नहीं हमें किया, हमें खड़ा करने वाला कौन है, खुदा का कलाम है। इसी तरह बहुत खूबसूरत वर्स जो मुझे बहुत अच्छी लगी, रोमियो 14 बाप में, तो कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्ज़ाम लगाता है, उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही से मुतल्लिक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने पर कादिर है। हालेलुया, कितना खूबसूरत है कि जिसको खुदावंद उठा खड़ा करता है तो उसको कोई गिरा नहीं सकता। अक्सर हम इंसान होते हुए जब किसी की हालत को देखते हैं, कोई इंसान गिर जाता है तो हम बहुत बातें करते हैं, देखा इसकी कोई बात थी, ये गिर गया, ये ऐसे है, इसने ऐसे ही पड़े रहना है। ये क्या है, बाज़ का हमारी ज़िंदगी में आजमाइशें होती हैं जिसमें खुदा हमें क्या करता है, बेहतर देने की कुदरत रखता है। हमारी बातें जल्दी से दूसरों पर उंगली उठा देते, एने नहीं होन उठना, एने नहीं बचना, तो लेकिन खुदा का कलाम करता है कि बल्कि वो कायम ही कर दिया गया है क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने पर कादिर है। क्योंकि अगर खुदावंद आपको खड़ा करता है तो वो आपको कोई और इंसान, कोई भी ऐसी चीज़ है, गिरा नहीं सकती, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सादिक 7 बार भी गिर जाए तो वो गिरा ना रहेगा, बल्कि क्या होगा, खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। तो अजीज़ो, आज हमारी ज़िंदगी में हमें सीखने की बात ये है कि अगर मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आज आप अपनी ज़िंदगी में खुदावंद के कलाम से हट गए हैं, खुदावंद की हजूरी से हट गए हैं, तो आज आपको ज़रूरत है खुदावंद के नाम से खड़े हो जाएं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है उठ खड़ा हो और सर बुलंद हो, और खुदावंद के कलाम में लिखा है अपने ऊपर से गर्द को झाड़ दे और खुशनुमा लिबास पहन ले। अजीज़ो, आज खुदावंद की आवाज़ अपने आपके लिए है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं भी कोई मैल है, गर्द है, उसको यीशु के नाम से अपने ऊपर से उतारे, क्योंकि खुदावंद का खून जिसको धोता है, साफ़ करता है, तो उसको कोई नापाक नहीं कर सकता। खुदावंद हमें पाक करता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें साफ़ कर सके। खुदावंद के खून में क्या है, कुदरत। अगर आज आपसे कोई गलती होती है, ख़ता होती है, तो हम क्या करते हैं, हम दुआ से हट जाते हैं, हम खुदा के घर जाना भूल जाते हैं। तो आज हमें खुदावंद क्या है, हमारी छोटी से छोटी गलतियों को क्या करता है, माफ़ करता है। उसके कलाम में लिखा है वो हमारा नाम लेकर बुलाता है कि मेरे पास वापस आ जा, तू मेरा है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। तो आज अजीजों, मेरे लिए, आपके लिए खुदावंद की आवाज ये है कि तू मेरे पास वापस आ जा। आज हमें क्या है, खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है, उसके कदमों में बैठने की ज़रूरत है। वो हमसे कलाम करता है, वो हमसे प्यार करता है। अगर खुदावंद हमें तंबी करता है तो इसमें क्या है, उसकी मोहब्बत छुपी हुई है। अक्सर हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये मुश्किल आई, पता नहीं खुदा नू मैं ही लब्बावा, मैं ही लब्बी हाँ, हम ऐसी बातें करना शुरू कर देते। तो अजीज़ो, अय्यूब नबी की किताब में मैं पढ़ रही थी बहुत अच्छा कि हमें तो कहने की भी ज़रूरत नहीं कि खुदावंद तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम तो नकम्मे हैं, ना चीज़ हैं, हमारी कोई हैसियत, हमारी कोई वैल्यू नहीं है कि हम खुदा के आगे अपना सर उठाएं। और मुझे बहुत खूबसूरत ये बात लगी कि एक दफ़ा मैं मैसेज सुन रही थी, मुझे एक बहुत अच्छी शख्सियत जिसने कलाम किया कि उसने बताया कि जब अय्यूब नबी ने
खुदावंद की रजा में अपनी रजा को फिट कर लिया तो उसने जान लिया कि मेरा मखलसी देने वाला क्या है, वह जिंदा है। कहता अगर मेरी खलड़ी तक उधर जाएगी तो वो इसमें से भी मुझे बहाल कर देगा। हालेलुया। अजीजो, खुदावंद हमारा छोटा खुदा नहीं है, वो हमारे लिए हर चीजें बहाल करने की क्या करता है, कुदरत रखता है। हम क्या करते हैं अपनी जिंदगी में खुदावंद को छोटा सा बना लेते हैं, और हमारा खुदावंद क्या है, वो बहुत बड़ा खुदा है। जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, खुदावंद के हजूरी में झुक जाते हैं और खुदावंद के नाम से खड़े हो जाते हैं, तो अजीजो आपको जिंदगी के हर मैदान में क्या होगी, कामयाबी होगी। क्योंकि यीशु नाम ही वो नाम है जो शिफा देता है, वो बरकत देता है, वो सरफराजी देता है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सरफराजी ना तो मशरिक शुमाल जनूब से बल्कि खुदावंद खुदा की तरफ से आती है। तो आज हमें क्या ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों को देखने की ज़रूरत है कि आज हम किस जगह पर खड़े हैं। अजीजों, आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है, ना कि हमें दूसरे की ज़िंदगी पर उंगली उठाने की ज़रूरत है। जब हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो अजीजों हम क्या होते हैं, अपनी बरकतों को खो देते हैं। अक्सर हम साल, दो साल, तीन साल चर्च जाते हैं और हम कहते हैं हमारी जो बरकत है वो हमें मिल नहीं रही। तो अजीजों, हमें बरकत क्यों नहीं मिलती, हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करना शुरू कर देंगे और खुदावंद के कलाम पर नज़र कर लेंगे, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है जो कलाम पर गौर करता है वो भलाई को देखेंगे। तो अजीज़ो, आज खुदावंद के जो ख्यालात हैं आपके लिए सलामती के लिए हैं, आपके लिए भलाई के लिए हैं। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और तौबा की तौफीक दे कि आप खुदावंद से अपना दिल लगा ले। हालेलुया। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और मैं आपके लिए दुआ करूँगी। कदूस मेहरबान जिंदा खुदावंद यीशु, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरी नकम्मी नचीज़ हकीर बंदी हूँ। खुदावंद, तूने मुझे ये मौका बख्शा कि तू मुझे बार बार मौके बख्शता है कि तेरे लोगों के साथ तेरे कलाम को शेयर करूँ। खुदावंद, आज जो भी कलाम का बीज बोया है खुदावंद, तू मुझे भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करना सिखा, और इस वक्त जो भी सुन रहा है आई खुदावंद, तू उससे भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करना सिखा, ताकि वो अपनी ज़िंदगी से खुदावंद 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल खुदावंद उसकी ज़िंदगी में पैदा हो, और उसकी ज़िंदगी से तुझे जलाल मिले। और जिसको तू उठाता खड़ा करता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। आज खुदावंद, ऐसी कोई भी जान जो अपनी जिंदगी में अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रही है, जो कमजोरी फील कर रही है, तो आज यीशु वो तेरे नाम से उठ खड़ा हो जाए और तेरे नाम को जलाल मिले, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।